हेलो दोस्तों, नमस्ते। सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पर फ्रोजन स्वीट कॉर्न कैसे बना सकते हैं जो आराम से 1 साल तक चलेंगे। मार्केट के हिसाब से इन्हें हम घर पर बहुत ही कम दाम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कम से कम कीमत में फ्रोजन स्वीट कॉर्न बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से स्वीट कॉर्न के भुट्टे खरीद कर ले आएँ। मैं भी ये 5 भुट्टे खरीद के लेके आई हूँ। ये वजन में 1 किलो हैं। मैंने इन भुट्टों का छिलका पहले ही हटा दिया था। आप इस तरह से पूरा भुट्टा ही लाएँ। ये मैंने 40 रुपये के 1 केजी लिए हैं। इस मक्का के दानों को इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। इस तरह से ये आसानी से निकल जाते हैं। अंगूठे और उंगली की सहायता से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, नाखून से ना निकालें नहीं तो इसका जूस निकल जाएगा। और मार्केट से भुट्टे के दाने निकले हुए लेकर आएंगे तो वो भी महंगे पड़ेंगे, भुट्टे सस्ते पड़ेंगे। इस तरह से अंगूठे से मक्का के दाने को धकेलते जाएं, आसानी से दाने निकलते जाएंगे। हमने 1 भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं, बाकी के भुट्टे के दाने और निकाल लेंगे। ये देखिए, एक बड़ी थाली भर कर मैंने स्वीट कॉर्न निकाल लिए हैं। ये 5 मीडियम साइज़ के भुट्टे में से निकाले हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एक बड़ी भगोनी ले ली है। इसमें 4 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, यानी कि 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी इतना होना चाहिए कि इसमें सारे स्वीट कॉर्न आराम से आ जाएं। अब हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी की वजह से स्वीट कॉर्न का कलर स्वीट कॉर्न को उबालने के बाद भी अच्छा रहेगा और फ्रीज करने के बाद में भी अच्छा रहेगा। चीनी और नमक घुल जाने के बाद आप सारे के सारे स्वीट कॉर्न डाल दें। अगर आपके पास बर्तन छोटा हो तो आप स्वीट कॉर्न को आधा आधा करके 2 बार में बना सकते हो। स्वीट कॉर्न को डालने के बाद में मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 मिनट तक उबाल लें। आप अपने मोबाइल या कोई घड़ी में 3 मिनट चेक करें और तुरंत स्वीट कॉर्न को निकाल कर ठंडे पानी में डाल दें। पानी अगर ठंडा नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल लें। ठंडे पानी में डालने से क्या होगा कि स्वीट कॉर्न ज़्यादा पकेगा नहीं। अगर आप गरम गरम ऐसे ही निकाल के रख देंगे तो वो गर्मी से और थोड़ा पक जाएंगे। तो हमें कॉर्न को ज़्यादा पकाना नहीं है। तुरंत ठंडे पानी में डालकर कॉर्न को अच्छे से ठंडे पानी में मिक्स कर दें और 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ दें। 5 मिनट बाद इनको किसी छलनी से निकाल लें। और अब आप एक कॉटन यानी कि सूती कपड़ा लें और कॉर्न को उस पर फैला दें। जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालना है, एकदम सूखे ना हो तो भी चलेगा। इस तरह से कपड़े पर फैला दें और हल्का सा आप इन कॉर्न को पोंछ दें और 10 मिनट आप इन्हें ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में कॉर्न में से काफ़ी हद तक पानी निकल जाएगा। फिर आप इसे ऐसे जिपलॉक बैग ले लें, छोटा बड़ा जैसा आप लेना चाहें वैसा ले लें और इस तरह के जिपलॉक बैग में रख सकते हैं। और आप चाहते हैं एयर टाइट डब्बे में स्टोर करना तो आप उससे पहले इसे थैली में जमाएं ताकि ये एक बार में जम जाएंगे। तो आप एयर टाइट डब्बे में डाल सकते हैं और डायरेक्टली आप डाल देंगे तो बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी और बाद में स्वीट कॉर्न को अलग करना मुश्किल होगा। तो देखिए, मैंने सभी को अच्छे से जिप लॉक बैग में रख दिया है। इसमें इस तरह से एयर रह जाती है तो आप उसे अच्छे से बाहर निकाल कर वापस से जिप को लॉक करें। अब देखते हैं इसका वज़न कितना है। ये वज़न में 1 किलो है और हम मक्का 40 रुपये में ख़रीद कर लाए थे। क्या पता आपको और भी सस्ती मिल जाए। और आप फ्रोजन कॉर्न ख़रीदने जाओगे तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। अब आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें
ताकि स्वीट कॉर्न जम जाएं। और हमने फ्रीजर में थैली को ऐसे ही सीधा सीधा ओवर नाइट के लिए रख दिया था, और बाद में हम इन्हें अलग भी कर पाएंगे। अगर आप खड़ी थैली रखेंगे तो बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी, और आप आड़ी करके इस थैली को फ्रीजर में रखेंगे तो आराम से उंगलियों को घुमाकर देखेंगे तो कॉर्न अलग अलग हो जाएंगे। यूज करने के लिए आपको जितना कॉर्न चाहिए फिर आप यूज करेंगे तो आपको बेलन से तोड़कर गुठलियों को अलग करना पड़ेगा, फिर निकाल लें। और बाकी यूज करने के बाद पहले की तरह आप तुरंत थैली को बंद करके वापस फ्रीजर में रख दें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना कॉर्न का बर्फ़ पिघल जाएगा तो कॉर्न फिर से चिपक सकता है। वापस फ्रीज करने के बाद आप जितने कॉर्न आपने लिए हैं उनमें पानी डाल दें और थोड़ी देर के लिए रख दें, और जब तक स्वीट कॉर्न सॉफ्ट ना हो जाएं, सॉफ्ट कॉर्न को बाद में भी उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हटा दें। इसके बाद जो भी आप रेसिपी स्वीट कॉर्न की बना रहे हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। जिन रेसिपीज में ये कहा गया है कि स्वीट कॉर्न को पहले उबालें तो आपको वहाँ इनको उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको हमने पहले ही उबाला था, तो ऐसे ही आप इनको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से स्वीट कॉर्न को बहुत कम खर्चे में फ्रिज में रख सकते हो और सालों यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सरोज की किचन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।